बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? दुआ करते हैं सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी ईमान में रखे, अल्लाह ताला सबको अपने ईमान में रखे, अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्ती सेहत वाली ज़िंदगी दे। जिनके वालदार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे, जो बीमार हैं उन्हें शफाई कामला अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैंने यहाँ ये देखे माशाल्लाह कितना अच्छा पराठा बना है, तो आज हम बना रहे हैं मूली का पराठा। तो यहाँ मैंने मूली में दो प्याज काट के भून के पहले मैंने तेल डाला, तेल डाल के फिर मैंने ज़ीरा डाला, ज़ीरा डाल के उसको कड़कने दिया, फिर मैंने प्याज डाल दिए, प्याज डाल के फिर मैंने उसको थोड़ा भूना, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, तो डाल के उसको अच्छी तरह भून के फिर मैंने इसमें यह मूली शामिल कर दी। तो उसके बाद इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब ये ठंडा हो गया तो फिर मैंने इसके पराठे बनाना शुरू कर दिए। तो माशाल्लाह से पराठे मेरा तैयार हो गया, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना अच्छा कुड़कड़ा बना है। ये देखें, देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़े का बना है। पहले बना के दूसरे घर वालों को खिला लिए, सिर्फ मैं रह गई हूँ, तो मैंने अपना ये बना लिया। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से, और मैं आप लोगों की इसकी फीलिंग भी दिखाती हूँ। मैंने छोटे छोटे दो पेड़े बना लिए थे, उन पेड़ों को मैंने बेल लिया, बेल के तो फिर मैंने उसके अंदर ये फीलिंग लगा के हाथों से इसको मसल के तो चैड़ी जैसे कि चौड़ी कर ली। चौड़ी करने के बाद फिर मैंने इसको बेलन के साथ बेला और पतली रोटी हो गई। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये कितनी मज़े की और कितनी अच्छी लग रही है। आप फीलिंग देख लें इसकी कितनी अच्छी लग रही है। अब मैं इसको लूँगी दही, दही के साथ खाऊँगी, आप लोगों ने साथ ही रहना है।